गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कल कैसे भी मैं कैसे जा दे और मैं अभी उठ जाऊँ मेरा नाम है और दादी से देते गई है अलग खाना बनाने का टाइम है भाई। खाना बनाना है कि नहा ले पहले, ठीक है ना। कहाँ गए थे? हेडेपा तो ये भी सुन रही नहीं था। उठ गया मुंह देख के ऐसा हो रहा तेरा। ये भी उठा। ये बाहर की चीजें छोड़ दे, देख मुंह तो वहां कैसा। साइकिल अंदर रख दे, मिट्टी लगेगी या नहीं ये भी कोई बात होती है। बहाने बाजी नहीं चलेगी यहाँ। क्या क्या बात है? क्या अगर आप पर दो के साइड उस लाइन की गंदी तो आएगी। हाँ वही गंदी, वही गंदी। हमने साइकिल चला रहे, हमने ये चला रहे, आगे से भी सांड आ गया। हाँ और आगे से सांड आ गया, ऊपर कुत्ता, पीछे भी दोबारा से सांड आ गया। और इधर एक गंदे हम उसे हमने बोला एक दो सांड ना दस कुत्तों के बराबर हो गए। हमने यहाँ गाइस रख रखा है दूध गर्म करना। अभी अभी मैंने यहाँ शॉर्ट्स अपलोड किए हैं और शॉर्ट्स अपलोड करके शॉर्ट फीड में जाके मेरे शॉर्ट्स देखिए यूट्यूब चैनल पे। और प्लीज़ भाई अगर शॉर्ट्स को सपोर्ट करते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल पे भी सपोर्ट करना। और ये देखो ये हमने ना पौधा पहले के धूप में रखा हुआ था और अब ये यहाँ रखा है। तो शायद मैंने तो इसलिए रखवाया था छाँव में कि इसके ना फूल मैंने कहा थोड़े लंबे समय तक चलेंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि ये थोड़े से ना डल से उतरे जा रहे हैं। ऐसे तो अच्छे लग रहे हैं देखो। और मेरी इच्छा है कि इस जैसा एक और पौधा लेके आऊँ गार्डन में, एक दो तो ले होने चाहिए। और यहाँ का जो लोकेशन है ये ऐसी लग रही है, तो ये जगह है ना ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और मेरा मन करता है कि मैं यहीं बैठ के अपनी जो गाने वाली वीडियोस होती हैं ना जो लिपसिंग वाली, वो भी यहीं बैठ के बनाऊँ। लेकिन भाई है ना कि यहाँ तपस लगती है भाई, ऊपर शेड है ना लगा हुआ, तो तपस के कारण फिर भी मैं यहाँ नहीं बैठ सकती हूँ क्योंकि पसीना ही पसीना आता है। और अंदर वीडियो बनाऊँ तो अंदर कमरे में कुछ भी नहीं है अभी, तो इस वजह क्यों गर्मी इतनी है, पंखे के नीचे भी पसीना आता है। तो अब मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए हैं, ऊपर बैठ के ही किए हैं क्योंकि आज मास्टर जी की और विनय की छुट्टी थी। आज शहीदी दिवस है और जितने भी शहीद हमारी सुरक्षा के लिए हो जाते हैं, हमारे नौजवान जो सेना पे सेना में जो होते हैं वो बॉर्डर पर शहीद हो जाते हैं, तो उनको एक श्रद्धांजलि तो देनी बनती है भाई। और पीछे ठाकुर जी हैं और सामने बात कर रही हूँ तो वो गवाह हैं कि मन से बात कर रही हूँ कि हर मतलब कि देखा जाए ना तो उनका योगदान हमारी सुरक्षा में सबसे ज़्यादा उन्हीं का ही है। तो मैं तहे दिल से अपने जितने भी जो सैनिक नौजवान होते हैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल नीचे जाती हूँ, नीचे जाके खाना बनाने का समय हो रहा तो खाना बनाऊँगी। खाना बनाने के बाद फिर आगे का शेड्यूल तय होगा कि हमने आज और क्या करना है, ठीक है। तो अभी ये नहीं पता कि खाने में क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी, फ़िलहाल नीचे चलते हैं। और इधर से करती हूँ फ़ैन बंद। प्रियांशु ये बताओ हमारे घर बाबू कहाँ पे? कहाँ कहाँ वहाँ पे है बाबू? तेरे हाथ में कहाँ है? हाथ में, हाथ में क्या पैर? कौन आ गया? ये कौन आया? अरे ये कौन है? आज लेके आया हूँ तुम्हारे लिए पनीर और मटर, मटर पनीर। प्याज करते प्याज प्याज दे, आंखा में जल लग गया। गर्मी में क्यों परेशान कर रहे ना? फिर इसको क्यों वो रैन देवी ने मैं से कोई बात पूछ रही थी। प्रियांशु दीक्षा दीदी की याद आती है? बहुत याद आती है। मैंने कुछ बनाया, इसमें क्या है? कुल्फी है तो बर्फ है। हाँ इसके ऊपर 20 साल कोक लेकर आऊंगा।
और ये क्या पता नहीं, राम क्या ये मैं सारे जगह देख रही हूँ, लड्डू कहाँ गए और तूने देखे बर्फ वाले प्रसाद खाए, मैंने थोड़े रखा और किसने रखे हैं ये टच। अब ये है खाने लायक। सब भी सो के उठे हैं और बना रहे हैं अपने लिए गरम चाय का प्याला, ठीक है, और साथ में खाएंगे नमकीन का, क्योंकि खाली चाय बिल्कुल भी नहीं पी जाते। वीडियो अपलोड कर रही है। हाँ जी, हेलो बोलो। हेलो, और क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे। और यश जाता ट्यूशन पे? वो यश जाता ट्यूशन है ना। अब पढ़ता किस टाइम है फिर? शिवजी छपा हुआ होता है रंग जो आगे से ऐसा है ना, ये ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ ना शिवजी छपा हुआ है, क्योंकि इसी तरह से रंग होता है उनकी टी शर्ट का। यहाँ से भी तो कल गए हैं खेड़े के पास से, और यहाँ से भी गए हैं हमारे यहाँ से खेड़े के पास से। अब एक दो दिन में वो आएंगे शिवरात्रि, उस दिन शिवरात्रि जिस दिन वो आएंगे है ना, जल चढ़ेगा ना शिवलिंग पे, तो इसलिए क्या? बटन तो बंद कर ले। हाय गोला जम गया, मैं तो कल गोला ला रहा हूँ। गंदे पानी की नहीं है ये, दिखा आरो है ना, देख कंच जैसी है, दिखाइए जरा, ऐसा लग रहा है कंच ही है। हाँ ये देखो तिल्ला सारा तो दिखाई दे रहा है। बरसात हुई है पता नहीं कितनी देर, मेरे को ये भी नहीं पता चला कब हुई और कब नहीं हुई बरसात हुई है, और इतनी हुम्मस सी हो गई है धरती में, सब भड़ास निकल रही है ना, और उल्टा और ज़्यादा गर्मी करके जाती है। बरसात का क्या फ़ायदा है ऐसी बरसात का, इससे अच्छा तो पहले ही ठीक था। चिकड़ चिकड़ भी करती है, हैं सड़कें गिल्ली भी करती हैं, और कोई फ़ायदा भी नहीं होता, ऐसे ही है बस। विनय काम कर ले बेटे, फ़ोन ना देखा, फ़ोन मत देखो, काम देखो फ़ोन के अंदर। ने देख लिया इस करके चुप हो गया, अगर वो ना देखता ना तो फिर वो रोता। तूने यहाँ बैठ के रोना होता है क्या? तेरी जगह बनी हुई है क्या? तेरी मम्मी क्या कर दे, क्या कर रही है भानू तू? हैं रोटी बना रही, आज तो जल्दी बनाने लग गई भाई। सर काट दो मैं इसका, कम से कम पूरे कपड़े तो इसके ऊपर चुन्नी चानी ढक देगा टांगों के ऊपर, मच्छर काटते हैं। तो गाइस हम तो भाई रसोई में आ गए हैं, रोटी बना लेते, आटा गूंदना, आटा गूंद गान के फिर रोटी बना के फिर लोग को एंड करेंगे। ठीक है गाइस, अभी चलते हैं बाहर घूमने के लिए बहुत दिनों के बाद। वैसे मैं तो हर रोज आती हूँ, लेकिन आपको कई दिनों के बाद मैं बाहर सड़क पे लेके जाऊंगी, तो चलो चलते हैं। है ये फोटो बना ले, चल रही है बाहर। आज गोलगप्पे वाला यहाँ से चला गया है, आएगी बारिश है पता क्या, कहीं बारिश हुई है तो ये ठंडी हवा चल रही है। बेचारे देख सांड नो भी आराम मिल रहे होगा इस टाइम तो, ये भी शुक्र करो साइड में बैठा हुआ, बीच में नहीं बैठा हुआ सड़क के। हाँ नन्ना कह रहा था वहा खड़ा था बाहर वो दुकान वाला, जो कह रहे जो कहा मेरे जैसा कोई पापी बैठे होएगा वहाँ बारिश करवाने वास्ता, बारिश करवाने वाला तो इंद्रदेव महावा करवावेगा बारिश तो, और तो कौन करवाएगा, अब तो सारे ही पापी हैं, अब कोई नहीं रह रहा धर्मात्मा। कुत्ता देख कुत्ता कहाँ चल रहा है, हवा बड़ी चल रही है, मेरे बाल उड़ रहे हैं ना, पता चल रहा होगा कि हवा है महान, आंधी है ये आंधी, जो हल्का हल्का सामान है वही उड़ रहा है, हम कोई उड़ जाएंगे। मतलब कि ना कहीं भी ना भगवान को टिकने नहीं देना, जो हवा चला दी भगवान ने तो मुसीबत, कहीं नहीं मार दवा। गाइस हम आ गए हैं बाहर से घूम के, आई होप आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।